हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल शर्मिला मेहता ब्लॉग। तो आज है फ्रेंड 17 दिसंबर, फ्राइडे का दिन है। आज मॉर्निंग का टाइम है। अभी नाश्ता वगैरह सब कोई मतलब बन गया सब कुछ, और रिया चली गई स्कूल, मेरे हस्बैंड अभी आज घर में है, वो जाएंगे सेकेंड टाइम में। और आज देखिए मैं साड़ी पहनी हूँ, कॉटन की साड़ी है आज, मतलब मम्मी का है तो आज वो फर्स्ट टाइम मुझे दिए पहनने के लिए, क्योंकि कॉटन का साड़ी में बहुत स्टार्टिंग में एकदम फैला जैसा हो जाता है, इसीलिए मम्मी बोली कि एक दिन पहनकर उसके बाद हमको दे देना, तो थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग की हूँ इसको पहन के। जब भी मम्मी कॉटन का साड़ी लेती है तो मुझे देती है स्टार्टिंग दिन पहनने के लिए, क्योंकि ऐसे चिपकता नहीं है, बहुत मतलब फैला जैसा हो जाता है इसीलिए। और सारा काम हो गया, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। तो बस देखती हूँ आज पूरा दिन क्या करती हूँ। तो मैं देखिए उसके बाद पूजा करने लगी थी, और बहुत दिक्कत हो रहा था इस साड़ी में पूजा करने में, क्योंकि आदत नहीं है, इसीलिए हमेशा सूट पहनती हूँ, तो थोड़ा सा एक साड़ी भी बहुत कड़क रहता है कॉटन का साड़ी, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और अभी मैं पूजा कर ले रही हूँ, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग 8:30-9 बज रहा था, और शुक्रवार का दिन था तो थोड़ा सा मैं संतोषी माँ का किताब भी पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं संतोषी पूजा करती थी पहले हर शुक्रवार को, लेकिन उपवास भी रहती थी पहले, लेकिन अब तो मैं उपवास नहीं रहती हूँ, लेकिन अगर समय मिलता है तो पढ़ लेती हूँ संतोषी माँ का किताब। हर सप्ताह ज़रूरी नहीं होता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने का। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये रवा गुड़ है, हम लोग रवा गुड़ बोलते हैं, तो जहाँ से मैं दूध लेती हूँ फ्रेंड, वहीं पर गाय ने बच्चा दिया था, मतलब बछड़ा था, तो वहाँ उसको हम लोग फेनूस बोलते हैं, तो वहीं से मतलब दी थी, जहाँ से मतलब खटाल से जहाँ से दूध लेते हैं, तो वहीं से फेनूस मिला था, उसी को मैं बना रही थी। तो देखिए चढ़ाते के साथ मतलब जम गया था तुरंत ही, और 3 दिन पहले ही गाय बछड़ा दिया था, उसके बाद का ये दूध था, तो इसी को मैं बना दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें सौंफ डाली थी, थोड़ा सा घी देकर सौंफ दी थी, जब सौंफ चटक गया तो फिर वो वाला दूध जो फेनूस बोलते हैं हम लोग, वो डाल दी थी, उसके बाद इसमें रवा गुड़ डाल रही हूँ। और ये बहुत जल्दी से सूख गया था, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाली थी गुड़ गलने के लिए। जिसके घर में गाय है उनको मालूम होगा इसके बारे में, फेनूस के बारे में। मेरे घर में तो गाय नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी के घर में पहले रहा करता था, तो मुझे इसलिए मालूम है कि फेनूस क्या होता है, तो इसीलिए मैं वहीं पर बोली थी उनको कि मुझे भी दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का समय है, वही 11 बज गया होगा अभी, और मैं अभी तक खाना नहीं बनाई हूँ, और मैंने साड़ी खोल दिया है, देखिए अभी मैं सूट पहन ली, ये रिया वाला सूट है ये, और ये सलवार में ब्लैक कलर का पहनी हूँ, क्योंकि उसका इसका पड़ के एंकल पैंट है तो वो मुझे नहीं आएगा, इसीलिए मैं सूट पहन ली, और वो साड़ी बहुत कड़क था इसीलिए मैं खोल दी। वैसे मैं उसको पूजा वगैरह करके नाश्ता उसी से खा ली, नाश्ता वगैरह खा पी के 2-3 घंटा पहनी होंगी, उसके बाद खोल के रख दी, और अभी मैं सूट पहन ली हूँ, और अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो देखिए अभी मेरा चावल चढ़ा हुआ है, देखिए चावल चढ़ा के रखी हूँ इसमें, और इधर मैं यहाँ पर देखिए बेसन को घोल के रखी थी फ्रेंड, इसमें हल्दी और नमक डाली थी, और थोड़ा सा मसाला डाली थी, जो सारे मसाले होते हैं उसी में से थोड़ा सा डाली थी, तो इसका मैं कड़ी बनाऊंगी, इसी का बैटर तैयार करके रखी हूँ अभी। मैं बनाने जा रही हूँ अभी कड़ी और चावल भुंजिया, यही मेरा दोपहर का खाना रहेगा, और इतना ही थोड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आज नहीं मतलब आएंगे, लेकिन वो रात में आएंगे, तो मैं तो इसको दोपहर के खाने के लिए बना रही थी, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ फ्रेंड। और देखिए रोहन को कितना ठंडा लग रहा है दोपहर के समय में, क्योंकि धूप नहीं है इधर, इसीलिए
धूप बहुत कम है इसीलिए ग्लव्स वगैरह पहना है। दिखा तुम्हारा ग्लव्स फटा हुआ है, छुपा लिया। तो और देखिए यहाँ पर मेरा चावल हो गया है, अब इसको मैं पसा ले रही हूँ। और मेरी सास यहीं पर बैठी हुई होती है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो वहाँ सेकती है अपना हाथ पैर चूल्हे के पास। और माड़ पसाने के बाद अब मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए, और माड़ मेरा इतना थोड़ा सा ही निकला है क्योंकि मैं बहुत थोड़ा ही पानी डाली थी आज चावल में, क्योंकि कम चावल बनाई हूँ। और यहाँ पर मसाला मैं निकाल के रखी हूँ पीसने के लिए, कड़ी में डालने के लिए निकाल के रखी हूँ। और इधर मैं तब तक पकोड़े छान ले रही हूँ, जो मैं कटोरा में दिखाई थी आपको बेसन घोल के, उसी का मैं पकोड़ा बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी भाभी है, वो फ़ोन की हुई है तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ। और इधर मैं देखिए एक साथ तीन काम कर रही हूँ, उधर मैं पकोड़े भी तल रही थी, उधर स्पीकर में रख दी थी फ़ोन बात करने के लिए, और इधर सिलबट्टे में मसाले भी लेकर बैठी हूँ। मसाला तो मैं आंगन में पीसती हूँ, लेकिन मैं सोची कि इधर पकोड़े भी तलूँगी साथ के साथ मसाले भी पीस लूँगी। और इधर मैं फ़ोन में भी बात कर रही थी तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और ऐसे भी काफ़ी लेट हो गया था तो मैं सोची कि बना लेती हूँ। लेट नहीं होता, उधर मैं किसी का फेसियल करने लगी थी इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था आज। और फेसियल करने में कम से कम तो 45 मिनट से ऊपर ही लग जाता है, इसीलिए लेट हो गया था फ्रेंड। तो थोड़ा सा मैं कोयला डाल दी थी ताकि फिर से आग रह जाए चूल्हे में, तो अभी आग अच्छा है, बन जाएगा अच्छे से। अभी मैं भुंजिया भी बनाना है मुझे। और यहाँ देखिए मैं मसाला वगैरह पीस कर उसके बाद उसी तेल में थोड़ा सा तेल मैं निकाल ली थी, और उसमें मैं फिर जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दी, मतलब तड़का लगाने के लिए कड़ी को। और उसके बाद फिर देखिए कलछुल में तेल रखा हुआ है, उसी तेल से मैं भुंजिया बना लूँगी फिर नेक्स्ट टाइम। और जो मसाले में पीस के रखी थी अभी उसी को मैं डाल दी जब ये जीरा और मिर्चा जब चटक गया उसके बाद। और अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी क्योंकि हल्दी मैंने नहीं पीसा था, हल्दी मेरा पाउडर वाला रखा हुआ रहता है। और उसके बाद फिर से थोड़ा सा बेसन लेकर और उसको मैं अच्छे से घोल दूंगी, जितना मुझे बेसन मतलब कि कढ़ी बनाना है उतना ही मैं बेसन ले रही हूँ, बहुत बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि इसको फिर उबालने के बाद ये बहुत गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। और उतना भी ज़्यादा कोई खाने नहीं है, मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो खाते हैं, लेकिन इसमें से भी थोड़ा बच ही जाएगा तो मैं रख दूँगी। और मेरे घर में भी आज दाल नहीं था तो इसीलिए मैं सोची कि ये बना लेती हूँ। तो जो मैं मलाई रखती हूँ घी बनाने के लिए, तो उसी को मैं आज घी निकाल कर और जो माठा बचा था उसी से मैं कढ़ी बना ले रही हूँ। दही नहीं था मेरे पास फ्रेंड, जो माठा था उसी से बना रही हूँ। तो देखिए अच्छे से घुल गया है, मसाला भी मेरा भुन गया है। अब मैं इसको डाल दूँगी, और इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है इसीलिए। और इधर मेरा ट्राईपॉड भी आज उसका जो हैंडल है वो टूट गया था, मतलब एक हाथ से कभी इधर कभी उधर करते करते अचानक से ठोकर लगकर गिर गया था फ्रेंड, तो मुझसे ही टूट गया है आज। बहुत अफसोस हो रहा था टूटने का, तो फिर भी काम चल रहा है अभी उसी से, देखूंगी फिर दूसरा ले लूँगी इससे अच्छा क्वालिटी का। और अभी देखिए माठा भी मैं डाल दी उसी में, और इसमें है कि थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो माठा, लेकिन थोड़ा खट्टा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा हल्दी थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए मैं थोड़ा सा और हल्दी डाल दी ऊपर से ताकि थोड़ा अच्छे से कलर आ जाए देखिए। और अभी जो जितना आपको दिख रहा है इसमें अभी और पानी जाएगा क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा हो जाएगा ये। और जो मैं पकौड़े तली थी उसको मैं पानी में करके रखी हूँ ताकि अच्छे से और फूल जाए। देखिए यहाँ मैं और पानी डाल दिए एक गिलास, और अभी और भी पानी जाएगा इसमें क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है बेसन। चना दाल का भी मैं बनाती हूँ, उससे भी उसमें भी बहुत पानी लगता है। तो देखिए अब सारा पानी डालने के बाद मैं नमक इसलिए डाली ताकि थोड़ा सा अंदाज मिलता है, पहले नमक डाल देती हूँ तो कम या ज़्यादा होने का चांस रहता है, इसीलिए सबसे लास्ट में मैं नमक डाली हूँ। और देखिए जो पानी में पकौड़े रखी हूँ डाल के, वो पानी के साथ ही मैं पकौड़े डालूँगी इसमें। तो देखिए अब ये उबल गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी वो पकौड़े पानी के साथ ही। तो ये थोड़ी देर से ये उबल रहा था, और ये अभी करते करते मतलब 40 से 45 मिनट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ये अभी गाढ़ा होते होते फ्रेंड, बहुत देर पकने में इसे लगता है कढ़ी को। और देखिए ये कितना थोड़ा सा हो गया है एकदम,
बहुत देर से ही चढ़ा हुआ है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पकोड़े। सारा पकोड़ा अच्छे से एकदम फूल गया था पानी में डाली थी इसीलिए। और अब थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी, उसके बहुत थोड़ा सा हो जाएगा ये पकते पकते। और देखिए अब बन गया था मेरा वो कढ़ी और अभी मैं भुंजिया बना ले रही हूँ, क्योंकि इसके साथ भुंजिया ही अच्छा लगता है, सब्जी अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इसीलिए मैं भुंजिया बना दी थी। और वैसे भी एक ही टाइम खाना है बस दोपहर में ही, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाना था। और देखिए यहाँ पर मेरा कढ़ी बन के रेडी हो गया है, अब मैं दे देती हूँ अपने सास को खाने के लिए, क्योंकि वो रोटी सुबह में एक ही रोटी खाई थी, उनको मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैं सोची पहले उनको दे देती हूँ। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था मेरा खाना बनते बनते, तो अभी उन्हीं को मैं निकाल दे रही हूँ खाना। और साथ में रोहन भी खाता है उनके साथ, तो दोनों के लिए मैं निकाल दे रही हूँ फ्रेंड। और इसी तरह से मैं चना दाल का भी बनाती हूँ, चना दाल भिगो कर पीस कर फिर पकोड़े बनाकर कढ़ी बनाती हूँ, तो वो भी अच्छा लगता है जब नहीं रहता है। आज मूड नहीं था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन देखी कि दाल नहीं है तो मैं सोची कि घर में है ही बेसन, तो चलो उसी का मैं बना लेती हूँ। तो देखिए बन गया है गर्मा गर्म कढ़ी चावल भुंजिया, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह आज दोपहर का लंच थाली? अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। तो बस आज इतना ही, फिर मैं मिलूँगी कल नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।